anime fans, ho jao ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth laya hai non-stop anime ki sogaat. Ab ye hui na baat. 24 hours Hindi mein dekhiye amazing shows back to back, Action Attack aur Comedy Bunch. Padega zordar. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. मजा आ गया यम्मी। शिमला के बर्फ और हलवाई चमन चोटी की बर्फी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। थैंक यू पकेला, बेस्ट मिठाई के लिए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है भूत बॉस, मैं आपका बेस्ट असिस्टेंट हूँ और आपके लिए बेस्ट चीजें लाना तो मेरा काम है। भूत बॉस का बेस्ट असिस्टेंट हूँ मैं, मी, और उनके लिए हवाई चमन चोटी की बेस्ट जलेबियाँ लेकर आया हूँ। ये हाँ जलेबी। हलवाई चमन चोटी की जलेबियों का जवाब नहीं। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो भूत बॉस डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं हूँ आपका बेस्ट असिस्टेंट। मैं हूँ भूत बॉस का बेस्ट असिस्टेंट, तुम तो एक फिसड्डी हो। नहीं, फिसड्डी तुम हो और बेस्ट हूँ मैं। भूत बॉस बोल दीजिए ना इस बकेले को। मजेदार मिठाइयों के साथ अगर पीने के लिए नारियल पानी में मिल जाता तो मजा आ जाता। मैं लेकर आता हूँ भूत बॉस। सुनो थकेले, जो हार जाएगा उसके माथे पर बड़ा बड़ा लिखेंगे फिसड्डी भूत। बोलो है मंजूर? मंजूर। तो फिर ठीक है। नारियल पानी तो मैं ही बॉस को दूंगा। नहीं, मैं दूंगा। अब देखना, तुम्हारे तो पूरे शहर में पोस्टर लगवा दूंगा, पकेला फिसड्डी भूत है। रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। अब साबित हो गया ना कि मैं यू बेस्ट असिस्टेंट और तुम हो फिसड्डी। अब मैं तुम्हारे माथे पर लिखूंगा फिसड्डी भूत। नहीं पकेला, नहीं, ऐसे मत करना। पकेला फिसड्डी भूत है। मेरी जलेबी हो। तुम दोनों ने मेरी चमन चोटी की प्यारी फेवरेट मिठाइयाँ गिरा दी, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी। अरे भूत बॉस, हमने तो आपको खराब मिठाई खाने से बचा लिया। ये देखिए, चमन चोटी बेईमान है। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो अभी अभी ये मिठाई खाई है और मुझे तो ये मिठाई बिल्कुल ताजा ही लगी है। फिर ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अनजाने में बॉस को मिलावटी मिठाई खिला दी। यार इस मिलावटी चमन चोटी को चलो सबक सिखाते हैं। अरे 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 रुको तो। दुनिया को अपनी मिलावटी मिठाई खिलाकर कितने आराम से बैठा है। हा? चलो इसे सबक सिखाते हैं। वो मैं देख नहीं सकता, सब मिठाइयों को अपना आप उड़ता देखेगा तो डर के थर थर कांपेगा, देख लेना। बड़ा मजा आएगा। अरे क्या हो रहा है? चलो अब उसकी मिलावटी मिठाई इसी को खिलाते हैं। अरे चोटी कसम, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई? हम वैसे भी बहुत परेशान हूँ, हमको और परेशान काहे कर रहे हो तुम लोग? अरे ये तो हमें देख सकते हैं।
इसका मतलब ये पापी नहीं है। अरे पापी नहीं हूँ, सही कहा है, चोटी कसम, एकदम शुद्ध है हमरा मिठाई, न मिलाया है कोनो केमिकल, न ही कोनो दवाई। हाँ, इसीलिए कहता हूँ किसी बात की जांच किए बिना कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। समझे थकू बकू? जी भूत बॉस। ये दोनों तो समझ गया, लेकिन लोग नहीं समझेगा ना। ग्राहक तो क्या, कोई मक्खी भी नहीं आता है, चोटी कसम। रेखा। तुम चिंता मत करो चमन जोटी, हम सब ठीक कर देंगे। थैंक यू। वैसे कौन हो तुम? भूत। घबराओ नहीं, हम अच्छे वाले भूत हैं, गलत करने वाले को सजा देते हैं। मैं भूत बॉस हूँ और ये हैं मेरे असिस्टेंट्स ठकेला और पकेला। अब बताओ ये सब पोस्टर्स लगा कौन रहा है? पता नहीं, चोटी कसम हमको नहीं पता है। यहाँ से नहीं, आगे से, ये तो मिलावटी मिठाई बेचता है। आओ, खाओ शुद्ध मेवे से बनी हुई मगन मुच्छड़ की मिठाई और करो अच्छी सेहत की कमाई। आओ, आओ, आओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चमन। तो मेरे असिस्टेंट्स, मेरी बात को गौर से सुनो। जो भी इस पोस्टर चिपकाने वाले को ढूंढ कर लाएगा वही होगा मेरा बेस्ट असिस्टेंट। ओके बॉस। अच्छा, तो ये है जो चमन छोटी को बदनाम कर रहा है। लेकिन ये है कौन? जरा इसका ये घूंघट तो उठाओ, जरा चेहरा तो दिखाओ। ये लो। ये क्या हो रहा है? इतनी हवा कैसे बहने लगी? मगन मुच्छड़? अच्छा, तो ये अपनी दुकान पर सभी कस्टमर्स को बुलाने के लिए ये सब कर रहा है। इससे बड़ा पापी तो दुनिया में और कोई नहीं है। एक आदमी और उसकी खाने की मिठाई के बीच कभी नहीं आना चाहिए। और पापी को उसके पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बॉस। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। चमन की दुकान हमेशा के लिए हो जाएगी बंद। ये चमन की जगह मेरी फोटो इन पोस्टर पर कैसे आई? अरे अरे, ये कौन मार रहा है? अरे अरे बचाओ, बचाओ। कौन है ये? सामने आओ। लगता है अब दर्शन देने का टाइम आ गया है। अकेला तैयार हो जाओ। अरे अरे, कोई है? अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोग हो कौन?
मैं हूँ भूत बॉस और मैं इनका बेस्ट असिस्टेंट पकेला। नहीं मैं हूँ आपका बेस्ट असिस्टेंट। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। सॉरी बॉस। हाँ भूत, तुमने अपने साथी दुकानदार की इस तरह से पोस्टर्स लगाकर बदनामी करने का पाप किया है और हम तुम्हें इस पाप की सजा देने आए हैं। नहीं नहीं, मुझे सजा मत देना। नहीं नहीं, मैं सारे पोस्टर्स उतार दूंगा, सारे उतार दूंगा। सारे 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 सारे। हाँ तो अब इसका क्या करें भूत बॉस? ये चमन चोटी का गुनहगार है। मगन मुच्छड़ ने चमन चोटी को बदनाम किया है और अब मगन मुच्छड़ ही चमन चोटी की बदनामी को दूर करेगा। ये कौन है? क्या हुआ? अरे ये क्या, ये तो मगन है। हाँ वही मिठाई वाला मगन। अरे और ये सब पोस्टर यहाँ कैसे? और ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे माफ कर दो। मैं ही चमन चोटी को बदनाम करने के लिए ये सब पोस्टर्स लगाता था। चोर और मिलावटी मैं हूँ, वो नहीं। अच्छा तो बेईमान चमन नहीं ये है? मारो, 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 मारो। आज के बाद कोई भी इस बेईमान की दुकान से सामान नहीं लेगा। लाइन में आओ, एक के पीछे एक। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भूत भी इतना अच्छा होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था। हाँ सच्ची कह रहा हूँ, छोटी कसम। ना आप तीनों के लिए हमारा दुकान का एकदम स्पेशल समोसा है। तो क्या फैसला हुआ, कौन है फिसड्डी भूत तुम दोनों में? कोई नहीं बॉस। हाँ किसी को बदनाम करना गलत है, फिसड्डी कोई नहीं है, मगर बेस्ट तो मैं ही जो मैं मी। नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। इन दोनों को बहस करने देते हैं और तब तक मैं ये सारे समोसे चट कर जाता हूँ।